अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें। पिछले कुछ दिनों से पड़ रही धुंध वठड़ के चलते गिद्दड़बाहा के किसानों में खुशी का आलम देखने को मिल रहा है। धुंध की वजह से ग्रामीण इलाकों में बिजाई कनक की फसल का अधिक झाड़ होने की किसानों में उम्मीद बढ़ी है। किसानों का कहना है कि इस धुंध वठड़ी की वजह से उनकी कनक की फसल लाभदायक है। किसान वाहेगुरु के आगे मौसम इसी तरह रखने की अरदास कर रहे हैं। वहीं किसानों का कहना है कि मौसम में अगर इसी तरह ठहर रही तो उनकी खेतों में बिजाई कनक की फसल को पिछले साल के मुकाबले इस बार ज्यादा मन झाड़ निकलेगा। वहीं हल्की बारिश को भी किसान बिजाई की कनक की फसल के लिए फायदेमंद साबित होगी। की नाम है भाई थोड़ा? मेरा नाम काला सिंह है जी। हाँ जी, ते जिस तरह दे मौसम है जी, किस तरह फसल ली जी? मौसम बहुत बढ़िया है जी, बहुत लाहेवंद है जी। अगले साल ना चंगा है जी, हमारे ठंड चंगी है, बहुत चंगी चीज है जी। कणक वास्ते कणक दूधा झाड़ दी है जी, ठंड के मौसम बूझा पूरा मार दिया जी। बूझा ठंड ना पवे, बूझा घट मार दी, हूँ पूरा बूझा मार दिया जी। हाँ जी, नहीं जा बारिश बुरिश वगैरह होंगी है जी, या दरमियानी बारिश? उस बारे दरमियानी बारिश बहुत वधिया जी, कणक ज्यादा गड़े कागड़े का नुकसान है जी, वो साढ़े है नहीं, इतने वो तो पे ही नहीं। फिलहाल तक सही है जी, एक बार बहुत सही मौसम है जी। इस तरह ठंड बहुत चंगी चीज है जी, बहुत चंगी चीज है। कोई पशु का कोई नुकसान नहीं, कोई सब सही है जी। एक बार सारा बहुत बढ़िया जी। हाँ जी, की नाम है जी थोड़ा? मेरा नाम लापी ताई लब्बी। हाँ जी, केड़ा पिंड है जी थोड़ा? अपना पिंड सुनारा जी। हाँ जी, ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਮੌਸਮ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਇਸ ਮੌਸਮ ਨੂੰ ਫਸਲਾਂ ਲਈ? ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮੌਸਮ ਆ ਜੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੇ ਮੌਸਮ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਹੋਰ ਰਹੇ ਤਾਂ ਕਣਕਾਂ ਦਾ ਝਾੜ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋਊਗਾ, ਅਤੇ ਜੇ ਹਲਕੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਵੀ ਹੋ ਜੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਝਾੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਕ ਆਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਸਾਲ ਦਾ ਝਾੜ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਤੇ ਜੇ ਇਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੌਸਮ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਗਾ ਫਿਰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈਗਾ? ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਜੇ ਹਲਕੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਧੁੰਦ ਵਗੈਰਾ ਪੈਂਦੀ ਰਹੇ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਮੌਸਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਣਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਆਏਗਾ, ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ। ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਜਿਵੇਂ 40 ਕੁ ਮਣ ਕਣਕ ਕਿੱਲੇ ਦੀ ਝੜੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਐਤਕੀ ਜਿਹੜੀ ਕਣਕ ਹੈਗੀ ਆ ਮਤਲਬ ਆਪਣਾ ਕੋਈ 10-15 ਮਣ ਦੇ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਆ, ਵੀ 50-55 ਦੇ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਜਾਂ 60 ਦੇ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇ ਮੌਸਮ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਰਹੇ ਤਾਂ। गिद्दड़बाहा से शक्ति जिंदल की रिपोर्ट। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें।